अच्छा, दो तरीके से है। कैटलॉग में आएंगे, सामने एडवर्टाइज नजर आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं एड प्रोडक्ट पे लिस्ट करता हूँ, क्लिक। यहां पे आपने प्रोडक्ट का एसएन कॉपी जो आपने किया था उसको पेस्ट करके सर्च कर देना, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे आपके पास वो प्रोडक्ट एग्जैक्ट आ जाएगी जिस प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट किया होगा। वो प्रोडक्ट एग्जैक्ट आ जाएगी जिस प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट किया होगा। मैंने एसेंट डाला, मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। हम वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं कि हमारी वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, पहले बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट थी। उसके बाद यहाँ से शीट के अंदर देख लेते हैं, यहाँ से ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सेम है जी। यहां से आपने कंडीशन उसकी सिलेक्ट करनी है, न्यू या यूज। अच्छा, जब आप इस प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला स्टेप कर चुके होंगे, आपके पास प्रोडक्ट शो होगी। आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। एक प्रोडक्ट्स वो होंगी जो गेटेड होंगी, जो कल हम स्किप कर दिया था। एक हमारी वो प्रोडक्ट होगी जो गेटेड होगी, एक प्रोडक्ट होगी जो अनगेट होगी। इन दोनों का मतलब क्या है? गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि उनको अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों में इनवाइसेस, ब्रांड अप्रूवल और आपके पास स्टॉक की इमेजेस मांगता है अमेज़न कि आपने जो स्टॉक मंगाया उसकी इमेजेस सेंड करें। वो तीन चीज़ें सबमिट करवाएंगे, वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकेंगे। यानी कि वो ब्रांड ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है या अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं हम गेटेड प्रोडक्ट। उनका हमें पता कैसे चलता है भी गेटेड प्रोडक्ट है या नहीं है? अब यहाँ पे एसन उसका फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट गेटेड है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करते हुए अप्लाई टू सेल लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट गेटेड है। अनगेट का भी मैं भी दिखाता हूँ कि उसका क्या लिखा आता है। अप्लाई टू सेल पे आप क्लिक करेंगे, इसी को पहले वाइंड अप कर लेते हैं। रिक्वेस्ट अप्रूवल वो कह रहा है अभी, इस ब्रांड से आप रिक्वेस्ट करें कि हमें अप्रूव करें सेल करने के लिए। आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, अगर ये वाला पेज आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट पक्की ठक्की गेटेड है। इसको अनगेट करवाने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप बिलो। दो थी, लेटर ऑफ पेप्सी BY, ऑथोराइजेशन, एक ऑथोराइजेशन नंबर चाहिए उसका, अगर है आपके पास। अगर ऑथोराइजेशन नंबर नहीं है तो आप इनवाइसेज वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। इन दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं। एट लीस्ट वन परचेज इनवाइसेस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। हम इस सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से हमने अमेज़ॉन ने कहा भी आपने जो इनवाइसेस सबमिट करवाने हैं, उसने क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा। उसने कहा आपने जो भी इनवाइसेस सबमिट करवानी है वो 180 डेज से पुरानी ना हो, फर्स्ट चीज उसने कह दी है। उसके बाद कह रहा है भी जो आपने सेलर सेंट्रल के अंदर अपना अकाउंट क्रिएशन के दौरान नेम दिया, एड्रेस दिया और बिलिंग एड्रेस दी, ये मैच होना चाहिए एग्जैक्ट। इससे क्या आपने सीखा कि आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से जब भी अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई करना है, वहां पे आपने वही क्रेडेंशियल यूज करनी है जो आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर है, ठीक है। सर, ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये। आप सेकंड पॉइंट को पढ़े, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, उसमें कह दी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर नेम एड्रेस मैच कर रहा हो सेलिंग अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सेलिंग अकाउंट का आप कहाँ से जाके देखते हैं?
या यहाँ पे जाएंगे अकाउंट इन्फो में, यहाँ पे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। डिपॉजिट मेथड उसने कौन सा लगाया हुआ है, बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर पता लग जाएगा, डिस्प्ले नेम पता लग जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं योर सैलर प्रोफाइल से, यहाँ पे जाके आपको सारी चीजें पता लग जाएगी भी किस अकाउंट के ऊपर बना हुआ है, क्या है, किस तरीके से। अमेज़न कहते भी ये चीजें सेम होनी चाहिए, देन मैं आपके प्रोडक्ट को अनगेट करूंगा, ठीक है। उसके अलावा इनवॉइसेस आप यहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो देन आपका जी मिनिमम आपने 10 यूनिट की इनवॉइस लेनी है, ठीक है जी। ये हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया प्रोडक्ट को अनगेट करवाने का, और मैंने आपको बताया कि गेटेड प्रोडक्ट क्या होती है। अब आते हैं अनगेट के ऊपर। आपने जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट करनी है ना, आपने उस प्लेटफॉर्म का क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है। उनका जो क्राइटेरिया उनका वो है, दो है, या तो आपके पास ऑथराइजेशन नंबर होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड आपको ऑथराइजेशन नंबर देते हैं। उस नंबर का क्या होता है भी, आपने अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी है ना उस प्रोडक्ट की, आपने मुझे उस मैन्युफैक्चरर को नंबर बताना है, यार ये मेरे पास ऑथराइजेशन नंबर है। इस वो नंबर की बेस के ऊपर आपको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, खुद ही उनके कैटलॉग में जाके देख लेगा और आपको प्रोडक्ट बना देगा। अगर आपने एक ब्रांड एग्जिस्टिंग सेल हो रहा है उसकी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है ना, तो वो आपसे ऑथराइजेशन नंबर मांगेंगे। और हर बंदा ऑथराइजेशन नंबर नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। हम भी पिछले कोई 5-7 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास 3 या 4 ब्रांड का ऑथराइजेशन नंबर है जस्ट, लेकिन वो ब्रांड बहुत बड़े हैं। अच्छा जी, अब मैं एक नेक्स्ट एसक्यू उठाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं वो प्रोडक्ट को स्किप कर दूंगा। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट एक एसक्यू उठाया एक प्रोडक्ट का, ये वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट, पहले आ रहा था अप्लाई टू सेल, अब लिखा आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अनगेट है, इसको आप डायरेक्टली लिस्ट करके आज सेल आउट कर सकते। ये था कल का टॉपिक जो गेटेड और अनगेटेड के ऊपर मैंने वसीम साहब को बोला था कि मैं रखवा दूँ, सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो सके। ठीक है, ठीक है जी। सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, सेलर एसक्यू मांगेगा आपसे, ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो दे दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो जरूरत नहीं है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, जिस तरह एसन होता है हर प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का एसक्यू भी होता है, सेलर एसक्यू होता है, जो यूनिक एक प्रोडक्ट के 3 कोड होते हैं, एसक्यू, एसन, अमेज़न के ऊपर, और यूपीसी। यूपीसी यूनिक होता है, मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, वो आप उस यूपीसी के ऊपर जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करेंगे वो आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो एग्जैक्ट यूपीसी के ऊपर रजिस्टर्ड है। एसन सिर्फ अमेज़न पे होता है, ठीक है। एसक्यू जब आप मुख्तलिफ टूल यूज कर रहे होते हैं उसमें आपको इंटीग्रेशन के लिए जरूरत पड़ती है, जब आप वीको यूज करेंगे शिपिंग के लिए, वीको ऑटोमेटिकली अमेज़न के सेलर सेंटर से प्रोडक्ट को उठा लेता है। उसको इंटीग्रेशन करने के लिए एक ही रूल है कि आपका एसक्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। एसक्यू देना है तो दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। आपकी प्राइस, किस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं,
ठीक है, ये आपने अपने मार्जिन को देखते हुए सेट करनी है। अगर आप करंट ड्राइव, उसने बता दिया कि इसकी जो मिनिमम लोएस्ट प्राइस है ना वो 47.32 होती है, और 60% केसेस के अंदर ये होता है जो आपकी लोएस्ट प्राइस होती है वही बाईपास की प्राइस होती है। 60% प्रोडक्ट्स के अंदर ये होता है, बाईपास प्राइस का पता है ना सबको? जी जी सर, यस सर। 60% है, यही होता है कि आपकी जो लोएस्ट प्राइस होती है वही बाईपास की प्राइस होती है। मैं इसको चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सबसे लोएस्ट प्राइस अपने सेट कर दे। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं, 48 समथिंग दे लें, कुछ भी दे लें। मैं फिलहाल 47 के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आप बताएंगे भी आपके पास यूनिट कितने अवेलेबल हैं, क्वांटिटी कितनी है एक प्रोडक्ट की। लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट के 20 यूनिट दिए हैं तो मैंने 20 उसकी क्वांटिटी दे दी। उसके बाद आप बताएंगे भी मैक्सिमम एक सेलर है जो आपके पास आएगा, सेलर जो आएगा वो मैक्सिमम कितने यूनिट आपसे वन टाइम के अंदर परचेज कर सकता है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ, ये आपको क्वांटिटी शो हो रही है जी सर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसने मैक्सिमम अलाउ किया है 2 प्लस पे करते हैं तो वो कह रहा है मेरी किसी और साइड पे जाके बाय करो। इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप यहाँ पे बताते हैं भी यार एक बंदा है जो एक ऑर्डर प्लेस करे वो कितने मेरे पास यूनिट बाय करे, कितने अलाउ करवाए, 2 करवा दे, इट्स अप टू यू। हैंडलिंग टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बार लिस्ट कर लू मैं फिर आपको समझाता हूँ। हैंडलिंग टाइम स्पेसिफिक होता है भी, हर सेलर का अपना होता है हैंडलिंग टाइम। बेसिकली हैंडलिंग टाइम होता है क्या, हैंडलिंग टाइम वो होता है जिस टाइम के दौरान आपने प्रोडक्ट की ट्रैकिंग अमेज़न के ऊपर देनी है। मीन आपके पास एक ऑर्डर आया, ये लास्ट को मेरे पास 3 ऑर्डर आए हुए, ये ऑर्डर नंबर होता है अमेज़न का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। शिप बाय यानी कि आपने शिप कितनी देर के अंदर करना है, उस टाइम को हम कहते हैं हैंडलिंग टाइम। ठीक है, 29 अगस्त तक आपने शिप करना है। शिप करने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कस्टमर को देना, कस्टमर को नहीं देना, कैरियर सर्विस को देना है। अच्छा, कैरियर सर्विस, फेडएक्स, USPS या UPS या जो भी आप फेडएक्स कोरियर सर्विस यूज कर रहे हैं उनको ट्रैकिंग देनी है कस्टमर को। आम जुबान के अंदर अगर मैं बात करूं, कस्टमर को ट्रैकिंग देने का जो टाइम है उसे हम हैंडलिंग टाइम कहते हैं। कस्टमर को ट्रैकिंग देने का, जिससे वो ट्रैक कर पाए प्रोडक्ट को, उस टाइम पीरियड को हम हैंडलिंग टाइम कहते हैं। सर वो मतलब ट्रैकिंग टाइम कब से शुरू होता है, जब ऑर्डर रिसीव हो जाए, पहुंच जाती है ऑर्डर, रिसीव हो जाता है ऑर्डर, जब रिसीव हो आपके पास ये ऑर्डर आया, ऑर्डर परचेज डेट है उसकी 27, मैंने 1 डे इसके ऊपर हैंडलिंग टाइम सेट किया हुआ है, मैंने उसको 28 से पहले पहले, 28 तक 29 होने से पहले पहले उसको मैंने ट्रैकिंग देनी है। अब फेडएक्स वाले या कुरियर सर्विस वाले उन्हें भिजवा रहे हैं, ऑन द वे है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हैंडलिंग टाइम। ये आपने अपना जो 3PL सेंटर है उसको देखते हुए सेट करना, ठीक है। कुछ 3PL होंगे हमारा, क्योंकि अपना वेयर हाउस है इसलिए हमने 1 डे रखा हुआ है, हमें पता है 1 दिन के अंदर हमने चीज़ें पैक करके वेयर उधर कुरियर सर्विस को दिया है, इस वजह से हमने 1 डे रखा हुआ है। आप 2 डे रखें मिनिमम या 3 डे रखें। वहाँ पे तो जी अच्छा 2 डे हमने हैंडलिंग टाइम सेट कर दिया। उसके बाद ये 4 या 5 चीज़ें डेट होती हैं। उसके बाद सेल अगर लगाना चाहें, आपके पास ज़्यादा मार्जिन है तो देन आप कुछ ऑफ में भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इनिशियली तौर पे ऑफ में दें, आप अपनी प्राइस को मेंटेन रखते हुए बेचें।
अच्छा जी, उसके बाद आपने ये फुलफिलमेंट चैनल है ना, वो आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि आप मर्चेंट हैं। अगर आप प्रोडक्ट को FBA कर रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, देन आपने नीचे वाला फुलफिलमेंट बाय अमेजोन इसको आपने सिलेक्ट करना है। लेकिन हम FBA कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि हमारा जो हो वो मर्चेंट फुलफिल हो, ठीक है। इसके ऊपर आप सेव करेंगे, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी और आपको ये इन्वेंट्री वाले सेक्शन में शो होना शुरू हो जाएगी, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। आपकी ये प्रोडक्ट थी ये वाली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। मैनेज इन्वेंट्री वाले पेज के ऊपर आप अवेलेबल यूनिट्स देख सकते हैं, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को अगर अपडेट करना चाहें, प्राइस उसकी सेट कर सकते हैं बायबॉस को विन करने के लिए। उसके बाद बिजनेस कस्टमर जो होते हैं जिनके पास अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप होती है, उनको अगर कुछ परसेंटेज पे ऑफ पे देना चाहे भी $1 $2 तो वो सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट लिस्ट होगी आपके पास, सेल आना स्टार्ट हो जाएगा।